अंडकोष के कैंसर या वृषण की कैंसर ज़्यादातर 20 से 40 के उम्र में दिखाई देता है। मैं डॉक्टर राजशेखर जाका, कैंसर के सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड बेंगलुरु में हूँ। आइए इस कैंसर के बारे में और थोड़ा जानें। अक्सर बॉडी में हर पार्ट का सेल्स जो है कंट्रोल में रहते हैं, मगर कभी कभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंडकोश के कुछ जीवकोश अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगे, बढ़ने लगे, तो हमें इसे अंडकोश के या वृषण के कैंसर कहते हैं। वृषण कैंसर का सबसे पहला जो सिम्टम है वो सूजन या स्वेलिंग हम जो कहते हैं, वो पेनलेस होता है मगर दर्द नहीं होता है। बहुत कम लोगों को दर्द होता है। तो जब अंडकोश को हम टच कर लेते हैं तो दिखता है कि वो बड़ा हो गया, यूजुअल साइज से बड़ा हो गया। दैट इट्सेल्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइन, क्योंकि यहाँ कुछ गलतफहमी है कि अगर कैंसर है तो दर्द रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। यूजुअली मेजॉरिटी लोगों को दर्द के बिना ही वो स्वेलिंग सूजन होने लगता है, ये तो एक बात है। कभी कभी थोड़ा सा भारी लगने लगता है, एक तरफ के टेस्टिस थोड़ा भारी होने लगता है, नहीं तो पेट के निचले हिस्से में थोड़ा भारी लगने लगेगा, नहीं तो हल्का सा दर्द होने लगेगा। कभी कभी पेट के ऊपर यहाँ पे अंदर कुछ सूजन है ऐसा महसूस होगा, नहीं तो कभी गर्दन में यहाँ पे सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। ये सब टेस्टिस के मीन्स वृषण के कैंसर के लक्षण हैं। कुछ लोगों को सडनली स्क्रॉटम का साइज़ बड़ा होने लगता है, कभी उसमें खून बहने की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है, कभी कैंसर के अलावा अगर इन्फेक्शन भी है उसे हम एपिडिडिमिस कहते हैं, कुछ इन्फ्लेमेशन होने की वजह से पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, मगर ये बहुत कम लोगों को ऐसा होता है। और खून जम जाने से भी पाँव में सूजन आना, नहीं तो पेट में सूजन आना, नहीं तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होना, ये सब होने से भी मीन्स ये कुछ एडवांस स्टेज में टेस्टिकुलर कैंसर जब थोड़ी सी एडवांस स्टेज में होता है तो ये सब लक्षण दिखने लगेंगे। ज़्यादातर सबसे कॉमन सिम्टम अंडकोश के जो गांठ जो होता है वही प्रेजेंटेशन होता है, और यहाँ पे दर्द नहीं होता है। जब भी अंडकोश के साइज़ बढ़ रहा है, देयर इज़ अ गांठ दिख रहा है, तभी आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये बहुत अर्ली लक्षण है। वृषण या ये अंडकोश के कैंसर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है, यूजुअली जब हमारे जन्म होता है तो वो नीचे स्क्रोटम में आ जाता है, मगर कुछ लोगों को वो नीचे आने से रुक जाता है वहीं पे। यूजुअली वो पेट के ऊपर की हिस्सा से शुरू होके धीरे धीरे से नीचे आने लगता है, और जब बर्थ हो जाता है, जन्म होता है, तब तक वो नीचे आ चुका होता है, नहीं तो विद इन वन मंथ, बर्थ होके वन मंथ में वो नीचे आ जाता है। कुछ लोगों को क्या है, वो ऊपर ही रह जाता है, पेट में रह जाता है, नहीं तो हम कहते हैं कि रास्ते में कहीं तो इंग्वाइनल केनाल में वहीं पे रह जाता है। वो अगर नेचुरल स्पेस पे नहीं है, जो नीचे स्क्रोटम में है वहाँ पे नहीं है, अगर ऊपर है तो उसका जो एनवायरनमेंट जो है वो ठीक नहीं होता है, इसीलिए उन लोगों को ये अंडकोश के कैंसर ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और कुछ फैमिली हिस्ट्री भी है और कुछ रेडिएशन एक्सपोजर भी है, इन कारणों से अंडकोश के कैंसर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और कुछ लोग ऐसे डाई इंडस्ट्री में काम करते हैं और जो केमिकल्स को बहुत ज़्यादा हमेशा एक्सपोजर में रहते हैं और जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है वहाँ, उन लोगों को ये ज़्यादा होने की कुछ चांसेस है। और सबसे ज़्यादा 20 से 40 के उम्र के लोगों में ये दिखाई देता है, इसीलिए किसी भी पुरुष 20 से 40 के उम्र में अगर कोई गांठ या सूजन ये गुप्त इसमें दिखाई दिया तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको वैद्य नहीं तो डॉक्टर के सलाह ले लें। वृषण अंडकोश के कैंसर का इलाज बहुत सिंपल सी है। मेनली तीन तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो सर्जरी, दूसरी कीमोथेरेपी और तीसरी रेडियोथेरेपी।
ये टेस्टिकुलर कैंसर बहुत फास्ट बढ़ता है, इसलिए ट्रीटमेंट भी हम बहुत जल्द करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन करके विद इन वन मंथ वी हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ये हार्मोन टेस्ट और जो स्कैनिंग जो करते हैं, हार्मोन टेस्ट करके 15 डेज के अंदर और स्कैनिंग करके एक महीने के भीतर हम ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्टिकुलर कैंसर थोड़ा फास्ट से बढ़ते रहता है। मगर इसमें बहुत अच्छी बात है कि टेस्टिकुलर कैंसर में स्टेज 4 नहीं है। हर कैंसर में, हर बॉडी के कैंसर में हम स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसे डिवाइड करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। स्टेज 4 हमेशा हम कहते हैं कि ये नॉन क्यूरेबल है, मगर लकीली टेस्टिकुलर कैंसर में स्टेज 4 नहीं है, ये स्टेज 1, 2, 3। तो एक कम्प्लीटली क्यूरेबल कैंसर है। जो दवाई है कीमोथेरेपी, उससे वंडरफुल रिजल्ट मिलता है। और अगर कीमोथेरेपी के बाद भी अगर कुछ रह गया तो हम सर्जरी करके वो पूरा निकाल सकते हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट क्यूर हो जाएगा। बस और एक ख्याल रखना है, क्योंकि ये 20 to 40 years मीन्स 20 से 40 के उम्र में होने की वजह से, अगर आपको अभी बच्चे नहीं हुए तो ये ट्रीटमेंट के पहले ही हम स्पर्म्स को स्पर्म बैंक में प्रिजर्व करके उसके बाद में ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपका फैमिली भी खुशहाल रहेगा।